आगर मालवा विधानसभा में पिछले दिनों हुई लगातार बारिश के कारण आगर जिले के किसानों की खरीफ की फसल सोयाबीन अफलन जैसी बीमारी से रोगग्रस्त होने से किसानों की फसल नष्ट हो गई है, जिससे किसानों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। किसानों को जल्द से जल्द फसल बीमा मुआवजा राशि दिलाने और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार के दौरान आगर विधानसभा की कई ग्राम पंचायतों में गौशाला का निर्माण कराया गया था। इससे विधानसभा अंतर्गत गायों को सर्व सुविधा दी जा सके, लेकिन वर्तमान में आगर विधानसभा के अंतर्गत गायों की दशा बहुत ही खराब हो गई है। आगर विधानसभा में कई गौशालाओं का निर्माण कार्य अपूर्ण है। गाय मुख्य मार्गों और ग्रामीण क्षेत्रों में भटक रही हैं, जिसके चलते आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसको लेकर कांग्रेस विधायक विपिन बानखेड़े के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर गायों को गौशाला पहुंचाकर सर्व सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है। मांग है किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए, साथ ही गौशालाओं में जो अव्यवस्था फैली हुई है। गौ माता के नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति जरूर करती है, लेकिन हमारे जिले में लगभग 100 गौशालाएं स्वीकृत हुई थी जो कि अस्त व्यस्त हुई पड़ी हैं। गौ माता को के भोजन की व्यवस्था नहीं हो रही है, पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है, रख रखाव की बिजली की व्यवस्था नहीं हो रही है। तो हमारी मांग है कि गौशालाओं का संचालन सुचारू रूप से होना चाहिए और किसानों को फसल का मुआवजा मिलना चाहिए।